लो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा राजस्थान बोर्ड कक्षा 8वीं विषय संस्कृत के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाकर डाउनलोड करें। कोई भी क्वेश्चन पर अगर डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स पर मैसेज करें। सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला प्रश्न है, गुणा गुण सेसु भवति दोषा गुणा धनानि नद्य। क्या होगा इसका? गुणा साहित्य संगीत कला विहीना जना भवति, क्या होगा? पशु। स्वर नखरा प्रतिवस्ति स्म वने, श्रृंगालस्य नाम आसीत दीर्घपुच्छ। डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा श्रूयते संपूर्ण विश्वे। ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसित प्राचीन काले। श्रीधर भास्कर वर्णेकर किद्दसा कवि अस्ति राष्ट्रवादी। कंट कैनैव कंटकम इयम कथा कस्य प्रांतस्य अस्ति, इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश प्रांतस्य। उसके बाद है आपका सूता वीणा शून्यम गृहम शालिना पीत गृहम आगच्छति ग्रीष्म अवकाशे। उसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते आ जाएगा, पुत्री अंबिका पितु डैश उपवस्ति, क्या होगा? क्रोडे। शालिना एतत् सर्व दृष्ट्वा डैश ददाति उत्तरम्, एकस्य डैश आवश्यकता अस्ति पुत्रस्य, त्वं डैश प्रसारस्य, क्या हो जाएगा इसका? जालम। तो पहले में आएगा पूज्यन्ते, दूसरे में आएगा क्रोडे, तीसरे का होगा उत्तरम, चौथे का हो जाएगा पुत्र से, पांचवे में आ जाएगा जालम। उसके बाद है सत्य और असत्य बताना है। निज निकेतम गिरी शिखरे अस्ति सत्यम, स्विक्य बलम बाधकम भवति असत्यम, पथि हिंसा पशवा न सन्ति असत्यम, गमनम सुकरम अस्ति असत्यम, सदैव अग्रे एव चली नियम, ये हो जाएगा सत्य। तो पहले में आएगा सत्य, दूसरे में आएगा सत्य, तीसरे का होगा सत्य, चौथे में भी होगा सत्य और पांचवे का होगा सत्य। ये गद्यांश दिया गया है, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो पहला क्या पूछा गया? अस्य गद्यांशस्य समुचित शीर्षकम लिखत। अस्माकम देश, इसका शीर्षक होगा भारत देशे कति ऋतवः भवन्ति, कितने ऋतु होते हैं? षड् ऋतवः। भारतस्य मुकुट किमस्ति? हिमालय। नगाधिराज हिमालय। उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्याघ्रस्य नाम किम आसीत? चंचल। सिंह कस्मिन् समये गुहायाः समीपे आगत? सूर्यास्त समये। उसके बाद अपने पाठ से एक श्लोक लिखना है। दृष्टि पूतम नेस पादम वस्त्र पूतम जलम पिबेत, सत्यम पूता वदेश श्याम मानः पूतम समाचरेत। तो इस तरह से आपको अपने आधार पर एक श्लोक लिखना है। उसके बाद है निबंध लिखना। अस्माकं विद्यालय पर दिए गए शब्दों को लेकर, अस्माकं विद्यालय नगरात नाति दूरम अस्ति, अस्माकं विद्यालय एका आदर्श विद्यालय अस्ति, अस्माकं विद्यालय त्रिविंशति छात्रा सन्ति, अद्य विविध विषयाणां पुस्तकानि सन्ति, अस्माकं विद्यालय सर्वत्र छात्र कुशला सन्ति, अस्माकं विद्यालय एका भवत भव्य पुस्तकालय अस्ति, अस्माकं क्रीड़ा क्षेत्रे विशालम अस्ति। इस तरह से आपको लिखना है आपको अस्माकं विद्यालय के बारे में। उसके बाद ये मंजूसात दिया गया, इससे आवेदन पत्र को आपको कंप्लीट करना है। पहले में आएगा श्रीमंतः, दूसरे का आ जाएगा निवेदयामि, तीसरे में आएगा पीड़ितो अस्मि, चौथे का होगा विद्यालय, पांचवे में आएगा उपास स्थितुम, स्वीकृत्य आएगा, यहाँ पर शिष्य आएगा। पूरा यहाँ पर से देख सकते हैं, इस तरह से आपको फिल करना है। कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट लगा हो तो कमेंट पर मैसेज करें, और कौन से सब्जेक्ट चाहते हैं कमेंट्स पर मैसेज करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।